हेलो एवरीवन, टुडे न्यू नोटिस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके बीच एक नई ताज़ा अपडेट लेकर फिर हाजिर हो चुके हैं जो पीएस टेट से 2018 से संबंधित आई हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पंजाब स्टेट टीचर एलिबिलिटी टेस्ट 2018 के आंसर की जारी हो चुकी है। आप अपने नंबर मैच कर सकते हैं, आप अपने कॉमेंट करके बता सकते हैं। चलो हम देख लेते हैं कि आंसर की से संबंधित क्या ये नए नए नोटिस आए हों, किस तरह आप आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं। उसको देखने के लिए आपको सिंपली साइट पर जाना है। यहाँ पर फ्री जॉब अलर्ट की साइट पर आने के बाद आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपका जो एग्ज़ाम हुआ था, इसके अंदर 19/1/2020 19 जनवरी को आपको एग्ज़ाम हुआ था और उसके लास्ट डेट ऑफ ऑब्जेक्शन दी हुई 3/2/2020। मतलब आप अगर आंसर की पर आपको कोई ऑब्जेक्शन लगाना तो आप 3 फरवरी तक आप इसके लिए ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो चलो हम देख लेते हैं कि आज ये सुबह सुबह ही साइट पर नोटिफिकेशन आया था और आपको वीडियो के माध्यम से इसकी सबसे पहले जानकारी दी जा रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। अभी हम इसको आंसर की को डाउनलोड करने के लिए पर आपको क्लिक करना है। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको आंसर के डाउनलोड करने के लिए अलग अलग कैंडिडेट की आंसर की अपनी उस साइट पर डाउनलोड हो जाएगी। देखो कैसे, यहां पर आपको क्या करना है, इंटर एप्लीकेशन नंबर और उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है और सिंपली यहां लॉगिन पर क्लिक कर देना। मेरे पास किसी कैंडिडेट का रोल नंबर नहीं है तो मैं आपको डाउनलोड करके नहीं दिखा सकता। अगर आप कॉमेंट में रोल नंबर को पासवर्ड को आप अगर सेंड कर देंगे तो आप बता दूंगा, वरना अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कॉमेंट करके बता दें, हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर देंगे। तो आप यहां से एप्लीकेशन नंबर और अपना पासवर्ड और लॉगिन कर देने से सिंपली आप क्या कर सकते हैं, आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नंबरों को मैच कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको ऑब्जेक्शन करना है आंसर की पर तो आपको यहां पर क्लिक करना है। ये साइट अभी ओपन हो रही है, इस पर क्लिक करने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है। यहाँ देखो आपको सबसे ऊपर बता ही दिया गया है, डियर कैंडिडेट की उम्र, एज, ऑब्जेक्शन, फाइनल आंसर की, पीएस डेट 2018 3/2/2020 3 बजे तक। मतलब आपको आंसर की पर कोई ऑब्जेक्शन लगाना है तो आप 3 फरवरी तक इस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अगर आपको कैंडिडेट आपको क्या करना है, अगर आंसर की पर ऑब्जेक्शन लगाना है तो आप क्या कर सकते हैं, रजिस्टर्ड यूजर कैंडिडेट क्वारी पोर्टल, इस पर जाकर आप डाउनलोड रिवाइज साइबर फॉर्मूला परफॉर्मा सॉरी इसके अंदर मैं बताना चाहता हूँ कि रजिस्टर्ड यूज़र, आपको यहाँ रजिस्टर्ड यूज़र पर क्लिक करने के बाद आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आंसर की पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। फिर भी कोई ऑब्जेक्शन लगाने में या कोई क्वेश्चन है जो पी एस टेट 2018 के अंदर आया था उसको आपको कन्फ्यूजन लग रही कि आंसर ठीक है या नहीं है तो आप हमें कॉमेंट करके बता दीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्दी से जल्दी करके दे देंगे। तो यह वीडियो शेयर जरूर कर दें क्योंकि जिन कैंडिडेट ने पी एस टेट 2018 का एग्ज़ाम दिया था अपने आंसर की को मैच कर सकें और अपने नंबरों को चेक कर सकें। यह वीडियो यहां तक कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आगे भी इस तरह की वीडियो आपके लिए लेके आते रहें। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो यह चैनल है भारत के सभी राज्यों से संबंधित अगर कोई भी नया नोटिस, कोई भी नई आंसर की या कोई भी नए एडमिट कार्ड किसी भी भर्ती संबंधित साइट पर आते तो सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम आगे भी इस तरह की वीडियो आपके लिए लेके आते रहें। यह वीडियो यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपको खुश रखें।